राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म संधू ताबड़तोड़ कमाई करती नजर आई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, और अब तक इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में करीब 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बताया जा रहा है रणबीर कपूर की ये सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। इसी के साथ ही रणबीर कपूर ने यह भी साबित कर दिया कि फिल्म में उनका कोई भी रोल हो वो उसे बखूबी निभा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर संजू की जबरदस्त सफलता के बाद अब राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई के तीसरे फ्रेंचाइजी में लग गए हैं, और इस फिल्म से जुड़ी हर रोज कोई ना कोई खबर आती रहती है। पहले खबर आई थी कि मुन्ना भाई के तीसरे फ्रेंचाइजी में हमें अब रणबीर कपूर और संजय दत्त एक साथ दिखाई देंगे, और इस फिल्म में रणबीर कपूर सर्किट का किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं अब दूसरी ओर हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो राजकुमार हिरानी अपनी मूल स्टार कास्ट में कोई बदलाव नहीं लाने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सर्किट तो अरशद वारसी ही रहेंगे बल्कि इस बार दो दो मुन्ना भाई जरूर देख सकते हैं। वहीं रणबीर कपूर संजू फिल्म करने के बाद नहीं लगता कि वो सर्किट का किरदार निभाने में दिलचस्पी रखेंगे। वैसे देखा जाए मुन्ना भाई सीरीज लोगों के बीच काफी ज्यादा फेवरेट रह चुकी है, और ऐसे में मुन्ना भाई के इस बदलाव के कारण दर्शकों को अपनी ओर ये फिल्म जरूर खींचेगी।